नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पिंडरई प्रीमियर लीग के 10वें दिन के दूसरे मुकाबले में सरई डेयर डेविल्स ने पुंगार पैंथर को 29 रनों से हराकर टूर्नामेंट की तीसरी जीत हासिल की है। इस मुकाबले में पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए सरई डेयर डेविल्स ने 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 109 रन बनाए। जवाब में पुंगार पैंथर ने 10 ओवर में 7 विकेट खोकर 80 रन ही बना पाई। इस मैच में दोनों ही टीमों की गेंदबाजी शानदार रही। 109 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पुंगार पैंथर की शुरुआत काफ़ी अच्छी रही। 49 रन पर पहला विकेट गंवाने के बाद टीम ने 69 रन पर 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे, जिसमें सचिन राजपूत ने 1 रन, सौरभ यादव 5 रन, यशवंत कुशवाहा 6 रन बनाकर शीघ्र ही पवेलियन लौट गए थे। टीम के लिए मुश्ताक ने सर्वाधिक 31 रनों की धुआंधार पारी खेली। अंबेश ने भी महत्वपूर्ण 27 रनों का योगदान दिया और राहुल ने टीम के लिए 29 रन जोड़े। इसके बाद राहुल और अजय नाबाद रहे। सरई डेयर डेविल्स के तेज गेंदबाज विवेक साहू ने 2 ओवर में 4 रन देकर 1 विकेट चटकाए। अजय ने भी 2 ओवर में 12 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। राहुल ने भी 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए और टीम को शानदार जीत हासिल करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आपको बता दें कि सरई डेयर डेविल्स की टीम को मालिक कल्लू भाईजान, मेजरमेंट बबलू भाईजान और कोच इरफान भाईजान के तौर पर जाना जाता है।